How many of you are seeing me third time? Great. First of all, Saurabh, thank you for inviting once again. And today particularly, when Arora Saab is here, Dushyanji is here, and I met Shirish after 13 years. So, last time I met Sanjay Chaudhary after almost 12 years. So more than telling you guys what to do, actually I am learning to learning certain things, what I need to do. I need to catch up with my old colleagues more often. And you also need to do that. Lot of discussions have happened, lot of things have been told. I would say the gems have been thrown at you. I really don't know how many of you have been able to capture how many gems, because it was so much overflowing, even I could not capture everything. So I'm sure that Saurabh is going to repeat some of the things in the class. Faculty is sitting here. I'm sure you will also take note of these things and share this again with all of you. And what one suggestion I can do is, you also need to create certain groups and mull over the information which has been floating around since morning. This would be really helpful for you, because 2 ghante ke baad mein sab bhul jayenge, kyunki abhi humne sirf suna hai. तो आपको पता है कि हाउ मच यू रिमेंबर आफ्टर लिसनिंग ऑल दोज थ्योरीज हैव बीन टोल्ड इन मैनेजमेंट एंड एवरीवेयर. ओके, सिंस यू हैव सीन मी थर्ड टाइम, लिसनिंग मी थर्ड फोर्थ टाइम, डू यू रिमेंबर माई वन स्पेसिफिक रिकमेंडेशन फॉर यू गाइज व्हेन यू आर कमिंग आउट ऑफ योर कॉलेज? एनीबडी रिमेंबर्स दैट फ्रॉम द लास्ट टाइम? What is one thing which I always tell you guys? Yes, please. Sir, aap hamesha ek cheez bolte hain ki jab bhi aap kahin bhi jao tab bhi joote utte nikal karke apna hamesha practical kaam karne ke liye khud khet mein jaane ki koshish. Okay, thank you very much for remembering this. Kyunki humne to yahi sikha hai, agar hum joote pehen ke kisan ke khet ke andar gaye to wo to hame thodi der ke baad mein bahar hi kar deta hai. मेरे पास दो तरीके हैं, दो ऑप्शंस हैं अभी अगले बचे हुए 7 मिनट को खर्च करने के. एक तो ये है कि हम कुछ जो भी चीज़ें मेरे बाकी के पैनलिस्ट ने कही हैं, उसको एज ए मॉडरेटर मुझे टास्क दिया था सौरभ ने कि उसको मैं रिपीट करूं, उसको दोबारा से रीफ्रेज करूं. यही जनरली रोल होता है मॉडरेटर का. मैं अरोरा सर की तरह से उनको फॉलो करते हुए मैं वापस आप लोगों के ऊपर सवाल फेंक दूं और फिर कैप्चर करवा लूं. तो एक तो ये है. दूसरा ये है कि दो चीज़ें जो मैं आज कहने आया हूं एडिशनली विद द एक्सपीरियंस ऑफ योर सीनियर्स हु आर वर्किंग विद अस. आपके कुछ सीनियर्स हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, ज्वाइन किया है जिन्होंने, उसमें कुछ लोगों ने इंटर्नशिप की थी. मैं शिरीष से भी बात कर रहा था, उनके यहाँ भी कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है. आपके यहाँ से दोनों तरह के लोग हमारे साथ आए हैं. कुछ लोग डायरेक्ट एंट्री में आए हैं, कुछ लोग इंटर्नशिप करने के बाद में उस ग्रुप में से सेलेक्ट हुए हैं. बट एक कॉशन आपको दे के जा रहा हूँ आज. कुछ लोगों ने, आपकी टीम मेंबर्स ने इंटर्नशिप बहुत अच्छी की और उसके बेसिस पे वो लोग फाइनल जॉब के लिए सेलेक्ट हुए, लेकिन जॉब के 1 महीने के बाद उनको उस जगह में सारी प्रॉब्लम्स दिखाई देने लगी. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रंभा मैम ने बात की थी कि आपने जब वो डिसीजन लिया तो आपने टाइम नहीं दिया. You just were in a hurry to get the job.
यू बिलोंग टू मध्य प्रदेश, यू आर बीइंग ऑफर्ड अ जॉब इन उत्तर प्रदेश, यू एक्सेप्टेड होल हार्टली, एंड आफ्टर वन मंथ यू आर कंप्लेनिंग टू योर सुपरवाइजर, सर मेरे ना घर पे कुछ दिक्कत आ रही है, एक महीने पहले नहीं थी, एंटिसिपेट नहीं किया था, और ऐसी दिक्कत भी नहीं आ रही है कि जिस दिक्कत का कोई समाधान आपके बिना नहीं हो सकता। जब आप यहाँ इम्पीरियल कॉलेज में पढ़ रहे हैं 2 साल तक, तो भी तो आपके घर पे चैलेंजेस आ ही रहे होंगे ना, तो ये मान लो यार 1 साल 2 साल तुम और इसी कॉलेज में पढ़ रहे हो, कम से कम अपने आप को प्रूव तो करो। सो माई जस्ट पीस ऑफ एडवाइस इज दैट इफ यू थिंक दैट यू आर नॉट गोइंग टू फिट इन ऑन दैट पर्टिकुलर लोकेशन, बिकॉज ये सबसे पहला आंसर होता है हर एक का, सर हिंदुस्तान में कहीं भी भेज दीजिए, मैं वहां जाकर के काम करने को तैयार हूं। भाई केरल में भेज देंगे, मलयालम सीखते सीखते 2 साल निकल जाएंगे, किसी से बात भी नहीं कर पाओगे। तो जो ओनरशिप की बात कर रहे थे, रंभा मैम भी बात कर रहे थे, राजेश जी भी बात कर रहे थे, तो ओनरशिप यहां से शुरू होती है। अगर आपने एक डिसीजन एक्सेप्ट किया है टू टेक अप द पर्टिकुलर जॉब, हम स्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, कमिटमेंट, जो बड़े बड़े डिक्शनरी में वर्ड्स होते हैं वो तो बहुत अच्छे हैं यार, बहुत अच्छे लगते हैं सुनने में। सस्टेनेबिलिटी आजकल बजवर्ड है, हर कंपनी के मिशन और विजन स्टेटमेंट में सस्टेनेबिलिटी नहीं आए तो लगता है कि यार ये तो कंपनी किसी काम की नहीं है। पर भाई उससे पहले ओनरशिप की बात करते हैं, उससे पहले कमिटमेंट की बात करते हैं, तो पहली ओनरशिप आपके लेवल पे ये है, आपका पहला कमिटमेंट ये है, व्हेन यू हैव टेकन अप अ जॉब स्टिक टू दैट, स्टिक टू द कमिटमेंट विच यू हैव गिवन टू द ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू इन्वेस्ट इन यू। सो प्लीज डू नॉट एक्सेप्ट एनी ऑफर without thinking and just in the haste, because that will create problems for you and the organization who is taking you after 3 months, maybe 6 months, and that would reflect where aap abhi pichle session mein ek baat ho rahi thi ki you are the CEO of your territory, hui thi na, yaad hai kitne logo ko yaad hai, मुझे तो याद है बस, लेकिन मुझे तो 10-1 लोग दिख रहे हैं। नाउ भैया सबसे पहले तो आप इस इंस्टीट्यूशन के सीईओ हो, आप इसके रिप्रेजेंटेटिव हो, आप मार्केट में जाकर के कैसे परफॉर्म कर रहे हो उसका रिफ्लेक्शन सबसे पहले किसके ऊपर आने वाला है, मेरे दोस्त सौरभ के ऊपर। यू मे फाइंड दिस लिटिल हार्ड हिटिंग, आई एम नॉट गिविंग यू एनी ज्ञान, एंड यूजुअली 3 बार में आपने सुना होगा भैया मेरे को वो सब ना अभी भी समझ में नहीं आते, बड़े बड़े भारी भारी शब्द वो त्यागी सर के लिए छोड़े हुए मैंने। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट वेरी वेरी बेसिक थिंग्स, बट दीज आर वेरी क्रिटिकल। सो माई पीस ऑफ एडवाइस इज अपार्ट फ्रॉम ऑल द थिंग्स विच यू हैव हर्ड सिंस मॉर्निंग, when you are talking about commitment, when we are talking about ownership, we are talking about giving a pause, first implement on yourself. aap jab yahan se pehla job join karke pehle shuru ke 1 saal jo kaam karenge, that will definitely make or break your career, but that will also make or break the reputation of this institute. you are the torch bearers of this institute. so your commitment towards you or towards the organization which you are joining would come secondary. your primary commitment should be to the ISAB. so take time. ऐसा नहीं है आपका 100% प्लेसमेंट है, आप में से अगर अपॉर्चुनिटी दी जाए आप में से लोगों को एक एक बंदे को 5-5 जॉब भी मिल जाएंगे, और इसीलिए
आपके यहाँ ये सेटअप बनाया गया है कि ठीक है, अगर आपको एक जगह जॉब मिल गया तो फिर आप दूसरी जगह अप्लाई नहीं करो, जिससे बाकी लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले। आपके यहाँ के ही कुछ लोग हैं जिन्होंने इनिशियली हमको ज्वाइन नहीं किया था और अब अप्रोच कर रहे हैं। तो सी, दिस इज अ फीडबैक विच आई एम गिविंग यू गाइज एंड द फैकल्टी, कि आप लोग जरा इस चीज के ऊपर थोड़ा सा फोकस करिए कि जॉब इज नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होके ये एश्योरेंस देता हूं, अच्छा काम करने वालों की आज से 50 साल पहले भी कमी थी, आज भी कमी है, और आज से 20 साल बाद भी कमी रहेगी। सो इफ यू आर कमिटेड टू द जॉब, योर ग्रोथ इज गारंटीड। अब प्रॉब्लम क्या होती है, जो रंभा मैम ने बोली, सर कोई ऑफिस का जॉब मिलेगा क्या? भाई ऑफिस का जॉब करना है तो फिर काहे को एग्रीकल्चर में घुसे थे, काहे को एग्री बिजनेस मैनेजमेंट कर रहे हो? जाओ थोड़ी सी मेहनत करो, IIM क्रैक करो, बहुत सारे ऑफिस जॉब मिलेंगे। लेकिन ऑफिस में रह रहे के बोर हो जाओगे। मेरे जितने सीनियर्स बैठे हैं, मेरे ख्याल से कोई भी शायद ऑफिस में 5-6 दिन से ज़्यादा बैठना पसंद नहीं करता होगा। मजबूरी में बैठते हो तो बात अलग है, मैं भी नहीं बैठता हूँ। ऑफिस में बैठना इज क्वाइट अ पेन, बिलीव मी। अभी लगता है AC में बैठने को मिलेगा, ओवर टाइम करेंगे तो कंपनी डिनर या लंच भी स्पॉन्सर कर देगी। कितने दिन यार सीखोगे क्या ऑफिस की पॉलिटिक्स? वो तुम्हें कहीं से हेल्प नहीं करने वाली। ठीक है, ऑलराइट, लिटिल हैवी, बट आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस एक्सपीरियंस ऑफ अवर्स एंड आई वांट टू गिव यू अ फूड फॉर थॉट। फूड का टाइम हो रहा है ना, तो बिफोर यू गेट इनटू द फूड, लेट अस गेट दिस फूड फॉर थॉट। प्लीज डिसाइड टुडे where you want to take your career. Accordingly apply to the companies which are offering similar kind of culture and approach. Don't be in a hurry, don't be in a haste just to capture a job, ki aaj kar lete hain, pakad lete hain, uske baad mein fir dekhenge baad mein kya hota hai. Nahi hoga, believe me. So I'm not getting into rephrasing and reframing what my earlier speakers have said. I am sure recording is available, you can go through that, and just with this I would thank again Saurabh and the institute for giving me fourth time this opportunity to speak to you all. To pehle wala lesson to aapko yaad ho gaya, 3 baar jo bataya tha, aaj lesson number 2 hai, अगली बार आके फिर आपसे पूछेंगे। तो रेस्ट एश्योर्ड आई एम गोइंग टू कम बैक एंड हिट यू हार्ड वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच।